कल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने गोवंश के लिए बजट दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट ही नहीं, अति संतुष्ट हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 10 गुना बजट हरियाणा की गौवंश के लिए उन्होंने दिया है। हरियाणा के अंदर जो बेसारा गौवंश है वो सड़कों पे नहीं रहेगा। अनेकों तरह के लाभ, जैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को जहरीला दूध पीने से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आज, और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के बजट को लेकर के। हरियाणा के बजट को लेकर के गोवंश के लिए जो बजट हरियाणा सरकार ने रखा है उसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा गोसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग। आज हम गोवंश की स्थिति, दशा और दिशा, इस बजट से क्या होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है श्रवण गर्ग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने गोवंश के लिए एक बजट दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट ही नहीं, अति संतुष्ट हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि 10 गुना बजट हरियाणा की गौवंश के लिए उन्होंने दिया है। और निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर जो बेसारा गौवंश है वो सड़कों पे नहीं रहेगा, और जो गौवंश है उसके नस्ल सुधार का और गौ उत्पाद बढ़ाने पर भी बहुत ही लाभ मिलेगा इस बजट का। मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देता हूँ। इस बजट से अगर हम बात करें गर्ग साहब, तो क्या हरियाणा में गोवंश की दशा और दिशा पर प्रभाव पड़ने वाला है इस बजट से? इस बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अन्य प्रदेशों से भी कहीं अधिक है। दूसरी बात, इसके साथ साथ गोबर धन योजना जुड़ी है, जिसमें गोबर गैस प्लांट लगाकर निश्चित रूप से गैस बनेगी, और गैस बनने के बाद जो सलैरी बस्ती है उससे खाद बनेगी, और जो किसान के खेत में जैविक खेती के रूप में काम करने में सहायक होगी। इसी प्रकार से गोबर से पेंट है, गोबर से गमले हैं, गोबर से मूर्तियां हैं, अन्य घरेलू सामान है। इसी तरह से नस्ल संवर्धन से अनेकों तरह के लाभ, जैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को जहरीला दूध पीने से मुक्ति मिलेगी, और जो बेसारा गोवंश उसको भी लाभ मिलेगा। अगर हम, आपने बेसारा गोवंश का जिक्र किया, क्या इस बजट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 400 करोड़ का बजट हरियाणा गोसेवा आयोग को दिया गया है, इस बजट से बेसारा गोवंश की स्थिति में कितना सुधार होने वाला है हरियाणा की सरकार में? मेरे को ये लगता है कि हरियाणा के अंदर इस साल का बजट मील का पत्थर सिद्ध होगा। निश्चित रूप से बेसारा गौवंश को गौशालाओं में, गौ अभ्यारण्यों में, गौ वन के अंदर रखने में सहायता मिलेगी, नई नई गौशालाएँ खुलेंगी, और सभी लोग जो